हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। नई माँ के लिए गर्भावस्था एक रोमांचक, थोड़ी सी घबराहट और प्यार से भरा हुआ अनुभव होता है, और साथ ही यह एक साहसिक कार्य भी है जो पूरी तरह अनपेक्षित होता है। इस दौरान आप अपने आसपास और अपने शरीर के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगी। गर्भावस्था के दौरान हम यहाँ आपके इस खूबसूरत सफ़र में हर हफ्ते होने वाली आशंकाओं और तकलीफ़ों को कम करने में मदद करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में आपको क्या महसूस होता है, आपके शरीर में क्या चेंजेस होती है, आपके बच्चे का विकास कैसे होता है, आप क्या क्या महसूस करती हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में महिला के शरीर में बदलाव तो होते हैं, पर यह बदलाव बाहरी बिल्कुल भी नहीं होता, यह बदलाव अंदरूनी होते हैं। दूसरे हफ्ते के दौरान तो पता भी नहीं चल पाता कि महिला गर्भवती भी है या नहीं, लेकिन कुछ खास लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। जैसे दूसरे सप्ताह में महिला के पेट में भ्रूण जीवन की शुरुआत हो जाती है, गर्भवती के पेट और हाथों पैरों में ऐंठन शुरू हो जाती है, हर समय आपको थकान महसूस होने लगता है, बच्चेदानी का आकार बढ़ने से मूत्र थैली पर दबाव बढ़ता है, इससे बार बार पेशाब जाने की इच्छा पैदा होती है, हाथ पैरों में सूजन और बुखार बने रखना गर्भवती होने के लक्षणों में प्रमुख होता है। यदि आप गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में आ गई हैं तो आपको कुछ खास और लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में भारीपन और दर्द महसूस हो सकता है, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है जिसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके शरीर का तापमान नॉर्मल तापमान से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और ख़ास बात यह है कि आपकी सूंघने की शक्ति थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बच्चे के विकास के बारे में। प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में निषेचित अंडे में विभाजन होना है। कोशिकाओं के इस गोले को विज्ञान की भाषा में ब्लास्टोसाइट कहते हैं। अभी भी आपका बच्चा महज़ कोशिकाओं की एक गेंद की तरह ही है, इसलिए अभी आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले शुरुआती हफ्तों में बच्चे की कोई भी अल्ट्रासाउंड इमेज नहीं आती, इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। प्रेगनेंसी का शुरुआती समय काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से अपने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की ज़रूरत होती है। नशे वगैरह से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, और डॉक्टर्स ने अगर आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया है तो उसे नियमित रूप से लेती रहें, और ऐसे समय में आपको तनाव से बिल्कुल दूर रहना है। हल्की फुल्की आप कसरत भी कीजिए, बहुत ज़्यादा उछल कूद ना कीजिए और ना ही बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने उतरने की कोशिश कीजिए। ऐसे टाइम पे आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में जितना पानी हो सकता है उतना पानी पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, अपनी डाइट को स्ट्रांग बनाइए और अच्छा बनाइए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।